गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू हाइड डार्क सर्कल्स एंड हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन। गाइस, आप कितना भी अच्छा आई मेकअप क्यों ना कर लें, इफ़ योर बेस इज़ नॉट परफेक्ट, इट डजेंट लुक गुड एट ऑल। सो हेयर आर द स्टेप्स ऑफ हाउ टू अचीव फ्लॉलेस बेस। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, यू कैन क्लिक एंड चेक आउट। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, after I'm done with the face wash, I'll apply moisturizer. अच्छे से इसको लगाने के बाद मैं वेट करूँगी 10 मिनट्स ताकि ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। गाइज, अगर आप इसके ऊपर एकदम से प्राइमर अप्लाई कर देंगे देन इट विल नॉट स्टे एट ऑल, इट विल मेल्ट डाउन। सो प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट्स आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर। आई अप्लाई सम लिप बाम ऑल्सो। टेन मिनट्स वेट करने के बाद आई अप्लाई प्राइमर। प्राइमर लगाने से मुझे एक स्मूथ सरफेस मिलेगा प्लस मेरा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। अंडर आइज में मैं टैपिंग मोशन में लगाऊंगी ताकि ये मेरी क्रीज लाइन में अच्छे से जाकर सेट हो जाए। नाउ आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स टू सेट इट प्रॉपरली। नाउ गाइज, इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन यू हैव टू यूज कलर करेक्टर। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पीच कलर फ्रॉम नायका कलर करेक्ट पैलेट। इसकी बहुत ही थिन लेयर मैं लगाऊंगी अपनी अंडर आइज पे, चिन पे, अराउंड द नोज और ब्लेंड करूंगी विद द फिंगर। अगर आपको डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप गाइस। मैं इसको टैपिंग मोशन में ब्लेंड करूंगी। मैं इसको ऊपर देखते हुए इसलिए लगा रही हूँ गाइस ताकि ये मेरी क्रीज लाइन पे अच्छे से सेट हो जाए। गाइज, आपके फेस पे अगर कहीं भी डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है तो कलर करेक्टर से आप इसको कवर कर सकते हैं। और लास्ट में एजेस को मैं ब्लेंड कर दूंगी लाइक दिस। आपको चारों तरफ से एजेस को ब्लेंड करना है।
आप जब भी कलर करेक्टर यूज़ करें तो इसको ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर से सेट करना ना भूलें, अदरवाइज़ ये आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर आपके फेस को ऑरेंज लुक देगा। मैं अप्लाई करूँगी पैक का ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर। और जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर लगाया है वहाँ वहाँ मैं इसको सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। इस स्टेप में आप कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, इट्स वेरी गुड फाउंडेशन गाइस। मैं पहले डॉट्स बनाऊंगी अपने पूरे फेस पे और इसको ब्लेंड करूंगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर। मैं यहाँ पे ब्रश नहीं यूज़ करूंगी क्योंकि ब्रश मेरे कलर करेक्टर को पुल कर सकता है और मेरा फाउंडेशन ऑरेंज लग सकता है। Don't forget to apply on ears and neck area guys, otherwise it will look different. इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। ये कंसीलर मेरी स्किन टोन से ऑलमोस्ट मैचिंग है। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप एक या दो शेड लाइट कंसीलर अप्लाई करें। आज का वीडियो इज़ ओनली अबाउट फाउंडेशन, सो डेट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सेम कंसीलर। इस स्टेप में मैं अपनी आईलिड पे भी लगाऊंगी, देन इकट्ठे ब्लेंड करूंगी गाइस। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू अप्लाई ऑन आईलिड्स टोटली। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं मिनी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिनी ब्लेंडर से मेरी क्रीज लाइंस कम दिखती हैं। सबसे पहले मैं अपना चिन एरिया ब्लेंड करूँगी। और गाइस इसके एजेस को ब्लेंड करना ना भूलें। जैसे हमने कलर करेक्टर में ब्लेंड किया था वैसे ही हमने कंसीलर में भी ब्लेंड करना है।
अंडर आइज को ब्लेंड करने के बाद मैं इसके एजेस को ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अदरवाइज दिस विल लुक वेरी पैची, सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ब्लेंडिंग दिस। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद गाइस मैं यूज़ करूँगी नायका कॉम्पैक्ट और सबसे पहले मैं अपनी अंडर आईज़ को सेट करूँगी विद अ ब्रश। मैं ब्रश यूज़ करूँगी ताकि कॉम्पैक्ट मेरा क्रीज लाइन में अच्छे से जाके सेट हो जाए। और इस स्टेज पे गाइस अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीज लाइंस आर विजिबल तो अगेन यू कैन यूज़ द ब्यूटी ब्लेंडर और उसके ऊपर आप अपना सेट कर सकते हैं। बाकी के फेस के लिए आई विल यूज़ कॉम्पैक्ट स्पॉन्ज ओनली। गाइज मेरी नोज़ थोड़ी ऑयली है तो आई विल अप्लाई लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑन माई नोज। नाउ डेट द डार्क सर्कल्स आर कवर्ड बेस मेकअप इज डन गाइज, आई डू रेस्ट ऑफ द मेकअप ऑफ कैमरा एज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू शोइंग यू हाउ टू गेट फ्लॉलेस बेस। लास्ट में गाइज आई विल यूज सेटिंग स्प्रे, ये मेरे फेस पे जो भी पाउडरी इफेक्ट है उसको मेल्ट कर देगा, स्किन लाइक लुक देगा, प्लस ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है गाइस। इफ़ यू विल फॉलो ऑल दीज टेक्निक्स आई एम श्योर योर बेस मेकअप विल कम आउट परफेक्टली। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फॉर डेली ब्यूटी अपडेट्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @priyaarora1609। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।